से तो बचना पड़ेगा हर हालत में, और इसके समर्थन में हम ये आए थे कि भैया जो मेमोरेंडम जो सरकार से मनवाने की कोशिश करे, बाकी इनके आराम तो नहीं करेंगे, ये करेंगे जब इन संरक्षित करना, पूरे देश को खाद्यान्न देना, ये किसान का कर्तव्य है। आंदोलनकारी तो बहुत दूर की बात है, विपक्ष भी नहीं बचेगा, उनके ऊपर भी जिस तरह से हमले शुरू कर। तो जब भी कोई आवाज़ उठती है तो मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरह से पैरालाइज कर लिया गया है कि आप जैसे सोशल मीडिया। मैं हूं डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़, प्रधान धनखड़ खाप, कोऑर्डिनेटर सरखाप पंचायत और कृषि विशेषज्ञ भी। तो आज जो ये जिन मुद्दों पर हम आए हैं कि खाप का काम ये होता है कि समाज की समस्या लेकर सरकार के पास रखनी और सरकार से मनवानी और उनको लागू करवाना। तो आज जो ये सरकार जो झूठ बोल के जो सत्ता में आई थी और झूठ बोल के आश्वासन सबको उठा रहे हैं, हर आदमी सड़क पर है, हर वर्ग सड़क पर है। आज खिलाड़ियों का देख लो कितना बुरा हाल कर दिया, किसानों का कितना बुरा हाल दिए कर दिया, कर्मचारी देख लो, टीचर्स देख लो, हर एसोसिएशन सब कुछ जो सड़क पर उतार दिया। तो इनकी तो जो मेन पॉलिसी है वो ये है, जो गोलवलकर ने जो सेकंड संस्थापक थे इनके आरएसएस के सदाशिव गोलवलकर, उनने जो अपनी किताब लिखी थी कि वी एंड आवर नेशन वुड आइडेंटिफाइड, उस किताब में क्लियर ये शब्द लिखे थे कि अगर भूल से सत्ता हाथ लग जाए तो अपने देश की जल जंगल और जमीन अपने दो तीन धनाढ्य विश्वसनीय साथियों को सौंप दे और देश में 95% भूखमरी पैदा कर दे ताकि 7 जन्म तक भी आपकी सरकार ना जाए। तो ये तो उन्हीं पॉलिसी पे चले हुए हैं, तो इनसे तो बचना पड़ेगा हर हालत में, और इसके समर्थन में हम ये आए थे कि भैया जो मेमोरेंडम जो सरकार से मनवाने की कोशिश करे, बाकी इनके आराम तो नहीं करेंगे, ये करेंगे जब इनके ऊपर पड़ लेगा। और वो है जो नाइजीरिया वाले इन वाले जो शासन वाले जो इनके अदला बदली वाली शिलोन वाली इनकी होगी, ये तो एक तंत्र शासन लेना चाहते हैं चाइना वाला कोरिया वाला, और उसको हम भारतवर्ष में लागू नहीं होने देंगे। देखिए आज जो लुटा कुटा समाज है उन सब को एक करने की जरूरत है। अब किसी के कोई मुद्दे हैं, किसी के कोई मुद्दे हैं, कोई यहाँ लड़ रहा है, कोई वहाँ लड़ रहा है, हमारा प्रयास है सबको एक मंच पे अगर आ जाएं तो यही एक इलाज बाकी बचा है, वरना तो सरकार सबको अकेले अकेले करके पिटेगी। अब आंदोलनकारी तो बहुत दूर की बात है, विपक्ष भी नहीं बचेगा, उनके ऊपर भी जिस तरह से हमले शुरू कर दिए, जो बोलता है उसी पे कोई ना कोई किसी ना किसी केस में जा दिया जाता है। तो इनको सबको इकट्ठा करने का प्रयास है, उसी में अगर हम इनके साथ खड़ेंगे तो कल ये हमारे साथ खड़ेंगे। तो आज यहाँ पे एक दिन कैंशन के लिए हम आए हैं और इन भाइयों का साथ दे रहे हैं, जो मुद्दे हैं वो 11 मुद्दे हैं, उनका समर्थक भी हैं और ये भी हमारे मुद्दों में समर्थक। देश में हम सब साथी आज एकत्रित हुए हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए। देश में आज चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे आप ये तो देख ही रहे हैं विधायक जो हमारे या सांसद हैं वो तो मोदी ने दबा ही दिए हैं सारे, एक तरीके से देश के ऊपर कब्जा कर लिया है, जिसको बचाने के लिए किसान आगे आया है। किसान के साथ धरती माता है, गौ माता है, कुछ किसान जो भैंस रखते हैं वो भी हैं, जो आप हिमाचल में जाएंगे वहाँ याक पालते हैं, ये किसान इस देश को पालता है। किसान कभी भी एक बोरी अनाज नहीं उगाता है, वो पूरे खेत में अनाज उगाता है, क्योंकि उसका कार्य देश का पेट भरना है, पूरे देश को खाद्य में संरक्षित करना, पूरे देश को खाद्यान्न देना, ये किसान का कर्तव्य है। आज देश को पाल रहा किसान और भुगत रहा है किसान। कोई किसान हिंदुस्तान में ऐसा नहीं बचा है जो आज कर्जे में नहीं है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? और सिर्फ किसान से पैसे निकालना, अगर ट्रैक्टर को आप 10 साल के लिए कर दोगे, 10 साल में कैसे निकाल लेंगे? 10 लाख से ऊपर ट्रैक्टर की कीमत है, और आप सोच के देखिए क्या 1 लाख रुपए किसान की आमदनी है? सरकार अपने डाटे निकाले, सरकार इकोनॉमिक सर्वे को चेक करे और वहां से बताए किस किसान की आमदनी 1 लाख से ऊपर है, और अगर 10 साल में ट्रैक्टर खत्म हो जाएगा तो वो कॉरपोरेट को पालने के लिए है या देश की जनता का पेट भरने के लिए है? ये किसान को सोचना है, ये देश को सोचना है कि इस देश को आज इस मोदी और अमित शाह से कैसे बचाना है। हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी है, हम सब इकट्ठे हुए हैं, इस लड़ाई को लड़ेंगे और देश को बचाने का जिम्मा आज फिर किसान और किसान के बच्चों ने लिया।
किसान आंदोलन के दौरान एक नारा था कि किसान देश बचाने निकला है। आज जो प्रोटेस्टर खिलाड़ी हैं वो खेल संस्थाएं बचाने निकली हैं। आज राज्यपाल जी पुलवामा पे बोलते हैं तो वो हमारे डिफेंस को बचाने की बात करते हैं। तो जब भी कोई आवाज़ उठती है तो मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरह से पैरालाइज कर लिया गया है कि आप जैसे सोशल मीडिया पे कुछ चेहरे इस तरह जो जनता के मुद्दे उठाते हैं, और ये वही 11 मुद्दे हैं जो बड़े आंदोलन से निकले हुए मुद्दे हैं। तो इन मुद्दों पे आज भी जनता पीड़ित है, इकट्ठा होने की ज़रूरत है। और जो आज जो कोठारी साहब जो कंपेन चला रहे हैं, यदि जो महामारी से शब्द भी आप डाल दोगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से आपके चैनलों पे स्ट्राइक पड़नी शुरू हो जाएगी, आपके चैनल बंद शुरू होने हो जाएंगे। यानी कि टेक्निकल ऐसे सॉफ्टवेयर ये डेवलप कर रहे हैं कि इसमें यदि प्रधानमंत्री का नाम भी आ गया तो आपकी वो वीडियो ही रिस्ट्रिक्टेड कर दी जाएगी। तो जो बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो कहीं ना कहीं कैद में है। तो इसलिए सरव खाप भी इसलिए आई है कि जब सामाजिक न्याय की बात हो, देश की बात की हो, तो हम एक सहायक की भूमिका में कंधे से कंधे मिला के लड़ते हैं। तो मेरा फसल खरीद कानून, न्यूनतम MSP का मुद्दा जब तक यूं का यूं है, उस पर कानून नहीं बना, तो किसान नेता कैसे घर पे सो सकता है, कैसे सो सकते हैं? तो हाथ से हाथ मिलते रहेंगे और इस तरह के कार्यक्रमों को आगे गति मिलती रहेगी।